नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधा बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं महिमा जय। भाजपा ने निकाले विशाल जन आक्रोश रैली। राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों और काले शासन का किया विरोध। राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। रैली से पहले एकत्र हुए भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने कहा कि राजस्थान सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है, अब उसे उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। रैली के जिला संयोजक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि राहुल गांधी हिंदुत्व की इतनी व्याख्या करने से पहले ये तो बताएं कि वह खुद किस धर्म को मानते हैं, तथा राजस्थान में 466 से अधिक एसीडी में भ्रष्टाचार के केसेस सामने आए हैं और सरकार ने अभियोजन की स्वीकृति केवल 66 मामलों में ही दी है। सभा को सांसद बालकनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो राम मंदिर और काशी कॉरिडोर जैसे कार्य कर सकते हैं। सभा के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने रैली के रूप में कैडलगंज से होप्सकर्स, त्रिपोलिया, मालखेड़ा बाजार, अशोका टाकीज होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। कार्यक्रम में अशोक गुप्ता, शिवलाल मीणा, रामवतार चौधरी, पवन जैन, देशराज वर्मा, राजकुमार पंडा, राजेंद्र कसाना, दिनेश भार्गव प्रधान चेयरमैन सहित अनेक कार्यकर्ता सम्मिलित रहे। जिलाध्यक्ष संजय सिंह नरूका और बलवान सिंह यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया।